हेलो बच्चों तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर थर्टीन साउंड ठीक है तो साउंड मतलब आप जैसे जानते हैं साउंड मतलब आवाजें अलग अलग तरह की आवाजें होती हैं तो फर्स्ट जो आपको बताया गया है कि कि इसमें आपको बताया गया आपने कौन कौन से साउंड सुने हुए हैं आप उसमें टिक मार कीजिए ओके दिस इज योर वर्क ओके की आपने यहाँ पे देखो ये सिंगिंग कर रही है क्रिपिंग कर रही है ये क्या क्रैकिंग हो रहा है यहाँ पे विस्परिंग हो रही है ठीक है ये ये क्या कर रहे हैं विस्सेल कर रहे हैं

मतलब सॉफ्ट साउंड होगा कि जो स्लोली होगा अच्छा होगा उसको प्लेजेंट होगा वो हमको अच्छा लगता है जो लाउड साउंड होगा तो वो अनप्लेजेंट हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ओके सम साउंड आर लाउड एंड हर इजली आर वेरी सॉफ्ट ठीक है एंड कैन नॉट बी हर्ड अनलेस वी लिसन अटेंटिवली ठीक है इसमें बताया गया है कि जो लाउड जो लाउड साउंड होता है ना वो हम इजीली सुन सकते हैं बट वहीं पे अगर सॉफ्ट साउंड होगा स्लोली से होगा तो उसको हम सुनने तभी सुन पाते जब हम बिल्कुल अटेंशन में रहेंगे कि हाँ हमको like तो हमको इतना मतलब, गुस्सा भी दिला देते हैं ठीक है ना कि कुछ साउंड को के हम बोलते है कि कब कि ये साउंड बंद हो जाएगा ना फर्स्ट वन हाउ आर द साउंड प्रोड्यूस साउंड कैसा प्रोड्यूस होता है ठीक है कैसे बनती है साउंड तो ये जो हमको पहले ये ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं दिस वन दिस वन ये सब सब हमें ऑब्जर्वेशन है पहले हम इनको रीड करेंगे ओके तो फर्स्ट वन इज व्हेन ए सॉन्ग इज़ प्लेइंग प्लेड ऑन अ रेडियो और ए म्यूजिक सिस्टम इन द हाउस प्लेस योर हैंड ऑन इट स्पीकर वट डू यू फील ठीक है अगर हम लोग आपके घर में स्पीकर है या कोई भी रेडियो है ठीक है, तो आप अगर उसके ऊपर जब वो प्ले करता रहता है जब वो बजता रहता है उसके ऊपर अगर आप पहन रखेंगे ना तो आपको क्या फील होगा तो हो तो और अगर हम म्यूजिक बंद कर देंगे तो हमको कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगी नेक्स्ट टेक ए रबर बैंड एंड स्ट्रेच इट शोन एंड इन पिक्चर देखिए रबर बैंड लिया हुआ है और उसको ऐसे स्ट्रेच करना है

सम सॉ डस्ट और और मस्टर्ड सीड ऑन द डायफ्राम ऑफ अ तबला ठीक है तो डायफ्राम ऑफ अ तबला ये होता है डायफ्राम ऑफ अ तबला ये ऊपर का जो पार्ट है उसका ठीक है इसके ऊपर बोला क्या करेंगे कुछ या तो सॉ डस्ट लकड़ी का जो बुरा होता है मस्टर्ड सीड कुछ भी हम इसके ऊपर डालेंगे नॉक ऑन द डायफ्राम लाइटली विद द फिंगर अब इसको फिंगर से क्या करेंगे नॉक करेंगे ऐसा ओके इसके डायफ़्राम नॉक किया हमने तो so क्या हुआ व्हाट डू यू सी है तो ये क्या होगा वाइब्रेशन होगा इसमें और इस वाइब्रेशन से जो भी हमने इसके ऊपर डाला है ना वो भी बाउंस करने लगेगा ठीक है देन वट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दी ऑब्जर्व अब हम ये जो सारे ऑब्जर्वेशन हमने किए हैं फर्स्ट जो हमने ये स्पीकर का रबर बैंड का ऑब्जर्वेशन किया तबला का जो ऑब्जर्वेशन किया है उन सब का हमें क्या पता लगा हुआ ना अभी देखिए हम इसमें पढ़ते हैं, तबला ठीक है अ सर्टेन मूवमेंट इन सब ने हमको एक मूवमेंट शो किया है ठीक है ना दैट इज अ सर्टेन काइंड ऑफ मोशन दे रैपिडली ओके इन अदर वर्ड दे वाइब्रेट ठीक है ना जब भी, भी हमने कुछ भी किया है तो वो वाइब्रेशन हुई है जैसे फर्स्ट म्यूजिक उसमें देखा हमने जब म्यूजिक चल रहा था तो इसमें अपना, हमने अपना हैंड रखा तो क्या हुआ हमें वाइब्रेशन लगी फील हुआ कुछ इसको भी हमने स्ट्रेच करके प्लग किया तो इसमें भी वाइब्रेशन हुई है ओके और इसमें भी जब हमने मस्टर्ड सी या सैंड कुछ भी डाला है और इसको फिंगर से ऐसे नॉक किया है तो उसमें भी वाइब्रेशन फील हुआ है तो इसका मतलब क्या निकला है द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड तीनों हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है इससे पता लगता है कि vibration के लिए, vibration is an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन जैसे इसका वाइब्रेशन ठीक है नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशन होना जरूरी है किसके लिए साउंड के लिए ओके एज एज दाइब्रेट द साउंड इज हॉर्थ जब तक बोला ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता रहेगा ठीक है तब तक हमें उसकी साउंड भी हम सुन सकते हैं व्हेन द वाइब्रेशन स्टॉप द साउंड आल्सो स्टॉप अगर वाइब्रेशन में बंद हो गया तो साउंड भी बंद हो जाएगा ओके द ऑब्जेक्ट ड्यू टू वि साउंड इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ दैट साउंड अब जिस ऑब्जेक्ट से जैसे हमने यहाँ इस तबले के डायफार्म में मस्टर सी कुछ भी डाला है और उसको नॉक किया है उसमें जो वाइब्रेशन हो रही है तो वाइब्रेशन से से स्टार्ट यहां से स्टार्ट होती ऑफ द साइंस ऑफ द साउंड रेजोनेंस इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन प्रोपोगेशन एंड इफेक्ट ऑफ साउंड इज कॉल्ड एक्वेस्टिक ठीक है साइंस ऑफ साउंड साउंड जो साउंड का जो साइंस है वो क्या है रेजो गूंज जहां तक जा रही है इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन कहा जा रही है ठीक है ना एंड इफेक्ट ऑफ द साउंड इज कॉल्ड एक्वेस्टिक और जो साउंड का क्या इफेक्ट है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर इन दूनिट कॉल्ड डेसीबर

नेक्स्ट वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड इन अवर लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड अब देखिए अब ये वोकल कॉर्ड ये वोकल कॉर्ड क्या है ठीक है ना ये लैरिंग्स क्या है ये हम समझेंगे ठीक है लैरिंग्स होता है ये जो हमारी ये होता है ना थ्रोट होता है ना ये उसका जो अपर मोस्ट ये ये पार्ट ये वाला ठीक है ना अब जो ये वाला पार्ट है इसमें क्या होती है बहुत, सारी, बहुत सारी थीन मसल्स की बैंड होती है, ना तो वो ना? और लैरिंग्स क्या होता है जो ये पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं लैरिंग्स ओके ये वाला जो थ्रोट का अपर मोस्ट पार्ट होता है अंडरस्टोड तो यहाँ से क्या होता है द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड जब ये वाली यहाँ पे जो वाइब्रेट करती है जी इसके वॉइस इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं तो वॉइस बॉक्स में जो मसल्स होती हैं जब ये क्या करती है वाइब्रेट करती है ना यहाँ पे ठीक है ना ये क्या करती है साउंड को प्रोड्यूस करती है द क्वालिटी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इन द लैरिक्स डिपेंड अपॉन द टनेस ऑफ द वोकल पर ठीक है ना हमारे जो साउंड की जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है जो हमारी लैरिक्स है ना ये ठीक है ना वॉइस बॉक्स है ना और जो उसकी मसल्स उसमें क्या है जो मसल्स है वो उसकी स्टेज पे डिपेंड करती है ठीक है ना ओके नेक्स्ट इज टेक ए पॉट फिल्ड विद वाटर एक पॉट लिया हुआ है और उसको पानी से भर दिया है स्टे इट लाइटली ऑन इट्स रिम अब हम पॉट के रिम में कहीं पे भी स्ट्राइक करेंगे व्हाट डू वी सी व्हाई आर वेव्स फॉर्म ऑन द वाटर इन द पॉट ठीक है वाटर में है वेव्स क्यों बन रही है बोला क्यों बन रही है जब हम स्ट्राइक करते हैं तो पॉट वाइब्रेट होता है जिससे पानी भी वाइब्रेट करता है और इससे क्या आता है कि वेव फॉर्म होती है ना हाउ साउंड इज हर्ड हम साउंड को कैसे सुनते हैं किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से ही हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है ये हमें पता लग गया अब हाउ साउंड इज हर्ड हम साउंड को कैसे सुनते हैं ठीक है अराउंड अ सोर्स ऑफ साउंड As the source of sound began to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrates. A wave of vibration of that sound is spread in all the direction from the source of sound. Such a wave is called a sound wave. The sound wave reached our ears. There is a delicate diaphragm or eardrum in the cavity of our ears. It started vibrating too. The sensation produced by these vibrations are passed on to the brain. थ्रू द नर्व इन दस एंड वी हेयर द साउंड अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं ओके okay? देखिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक बेल को किया हुआ है ओके तो अभी हम समझेंगे कि कैसे हमारे पे साउंड सुनाई देता है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है देखिये यहाँ पे कोई है ओके okay? ना अभी जब हम इसको क्या करेंगे हम इसको बेल को जब रिंग करते हैं ना जब हम इसको बजाते हैं तो क्या होगा इसमें वाइब्रेशन हो जाएगी पूरा चारों साइड वाइब्रेट करने लगेगा ठीक है ना पहले तो बेल वाइब्रेट करेगा अब जो बेल के चारों साइड क्या रहेगा जो बेल के चारों से जो एयर होगी ना तो एयर के जो पार्टिकल्स होंगे वाइब्रेशन से ये भी क्या करेंगे वाइब्रेट करेगा ठीक है ना ये सारे सारे वाइब्रेट करने लगते हैं ठीक है तो ये क्या ये वाइब्रेट कर रहा है ये तो इसके बाद ये क्या करेगा अपने बाजू वाले को भी वागे वागे तो ही वाइब्रेट करेगा ठीक है ना ये अपने बाजू वाले को वाइब्रेट करेगा तो ऐसे ही वाइब्रेट करते 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 ये क्या चली जाती है ये हमारे पास साउंड आ जाती है ठीक है ना तो ये ऐसे साउंड हमारे पास आ गई है तो ये साउंड जब यहाँ पे आ गई है ठीक है तो ये हमारे कान में आ जाती है तो क्या बना लिया एक साउंड वेव बना दिया है ओके ऐसे ऐसी वेव बन गई है ये वेव एक ही डायरेक्शन में नहीं बनी है पूरे सारे डायरेक्शन में जहां जहां ये पार्टिकल्स मतलब किया है ना इन्होंने एक दूसरे को वाइब्रेट किया है पूरा वेव बनता जाएगा अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये वेव कहाँ जाएगी हमारे एयर तक पहुंच जाएगी और एयर फिर फिर हमारे क्या होता है देखिए एयर के अंदर भी एक एयर ड्रम होता है ठीक है इसकी जो एयर कैविटी होती है ना उसके अंदर होता है एयर ड्रम होता है तो ये जो वेव गई है ये वाइब्रेट करते करते इसने हमारे एयर ड्रम को भी वाइब्रेट कर दिया ठीक है अब जब हमारा एयर ड्रम वाइब्रेट हुआ है तो जो हमारे देखो एयर पे जो नर्व्स होंगी ना वो हमारे ब्रेन के पास जाएंगे ठीक है और हमारे ब्रेन हमारे ब्रेन के पास जाएंगे तो हमारे ब्रेन को पता कि कुछ तो साउंड है ठीक है तो हमें क्या हो जाएगा पे से हमें वो साउंड सुनाई देने लगेगा ओके ना प्रोपोगेशन ऑफ साउंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड मतलब साउंड कैसे ट्रेवल करता है पे देखिए एग्जांपल्स पहले दे रखे आपको समझाने के लिए टेक टू बलून फिल एयर इन वन एंड वाटर इन द अदर दो बैलून लिए हैं एक में एयर फिल कर दिया है एक में वाटर को फिल कर दिया है और फिर उसको क्या कर दिया ना अपने ये देखो एयर ये अपने आ, कान के पास लेके गया और उसको क्या रहा? फिंगर से ऐसा ऐसा ये है ये बैलून को लिया और उसको फिंगर से ऐसे ऐसे रब करने लग गया ठीक है ऐसा ये ऐसे ऐसे रब कर रहा है तो जब ये कान के पास लेके ऐसे रफ करेगा तो बोला कि क्या होता है साउंड तो उसको सुनाई देगा बट किसमें ज्यादा क्लियर साउंड सुनाई देगा थ्रू विच बैलून डू वी क्लियर साउंड अब दोनों बैलून में से हमको क्लियर साउंड किसमें सुनाई देगा ये हम देखेंगे बोला ठीक है देन सेकेंड वन जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किया है स्टैंड एट द एंड ऑफ अ बिग टेबल एक टेबल है और उसके एक कॉर्नर पे ठीक है ना एक जैसे टेबल ले है और एक कोने पे क्या है खुद खड़े हो जाओ और दूसरे कोने पे अपने फ्रेंड को खड़ा कर दो और जब फ्रेंड खड़ा होगा ना वहां पे आर द फ्रेंड टू नॉक लाइटली ऑन द टेबल यहाँ फ्रेंड को बोलेंगे कि आप धीरे से इसको नॉक करो टेबल को ठीक है यू विल हियर ए फेंट साउंड तो हमें फेंट साउंड मतलब बहुत हल्की साउंड सुनाई देगी बिल्कुल हल्की ओके क्योंकि उसने लाइटली नॉक किया है पहले तो एक समझ लेंगे ठीक है नाउ यू प्रेस योर ईयर टू द टेबल एंड आस द फ्रेंड टू रिपीट द नॉक अब क्या करना है अपने ईयर को टेबल के पास लेके गए अभी तक तो हमने ऊपर से खड़े होकर सुना है उसने जब नॉक किया टेबल को तो हमको धीरे सी आवाज सुनाई दी अब क्या किया हमने अपने ईयर को टेबल के नजदीक ले गए और फ्रेंड को बोला फिर से आप नॉक करो टेबल को वट डिफरेंट डू यू नोटिस अब क्या डिफरेंस आया देखिए अब हम इन दोनों का ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कि दोनों एक बैलून में वाटर एक बैलून में एयर भरा था तो किसका साउंड हमको ज्यादा क्लियर सुनाई दिया और टेबल पे खड़े होके हमको अच्छे से सुनाई दिया या हम उसके पास जो एयर लेके गए तब हमको ज्यादा सुनाई दिया तो इनका ऑब्जर्वेशन देखे हम पढ़ेंगे साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू एयर वाटर और थ्रू अ सॉलिड एंड रिचे अवर एयर जो साउंड है वो ट्रेवल करते हैं किस किस में किस किस के थ्रू एयर के थ्रू वाटर के थ्रू और सॉलिड किसी भी सॉलिड के थ्रू जो हमारे पहुंच जाता है, बोला। क्या बोला है? हम पे, हमको किस में सुनाई देगा लिक्विड और लिक्विड एंड एयर दोनों के बीच में अगर हम सुनना चाहें तो हमको लिक्विड में ज्यादा क्लियर साउंड सुनाई देगा इ थ्रू अ सॉलिड और सबसे क्लियर सुनाई सुनाई देता है वो सॉलिड में so? वायसे क्यों होता है बोला ठीक है ठीक है अब हम इसको स्पीड मीडियम। अलग अलग मीडियम में चाहे वो एयर या लिक्विड या सॉलिड अलग अलग मीडियम में जो साउंड की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है ठीक है ट्रांसमिशन ऑफ अ साउंड इज फास्टर थ्रू अ लिक्विड देन थ्रू अ गैस गैस ठीक है gas से अच्छी जो साउंड जो फास्ट चलता है वो किस में चलते हैं ज्यादा लिक्विड में एंड फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन थ्रू अ लिक्विड और लिक्विड से भी अच्छा जो ट्रांसमिशन होता है साउंड का वो किस में होता है सॉलिड में होता है दैट मीन सॉलिड में सबसे अच्छा ट्रांसमिशन होता है साउंड का देन जहा से साउंड निकल रहा है सोर्स ऑफ साउंड जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वहां से और जब वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करती है स्प्रेड होती है डेट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड ठीक है द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड तो तो मीडियम क्या है साउंड कैसा है ट्रांसमिशन होता है कैसे है? है? Sound, of of sound, जाता है उसका मीडियम क्या होता है द मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड की जिस मीडियम के थ्रू साउंड एक जगह से दूसरी जगह जाता है ठीक है ना दैट इज उस मीडियम को बोलते हैं मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड ओके नेक्स्ट ठीक है? को, को तो क्या उसका जो साउंड है वो बोला बाहर सुनाई देगा या नहीं ठीक है ना तो देखिए क्या होता है हमें किसी मीडियम की जरूरत होती है साउंड को क्या सुनने के लिए साउंड को इधर से उधर जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है ठीक है लेकिन इसने क्या बोला वैक, वैक्यूम मतलब बिल्कुल खाली है वो ठीक है ना तो वो बिल्कुल भी उसका एयर निकाला गया हुआ है ठीक है तो इसमें साउंड हमें नहीं सुनाई देगा बाहर हमको उसका बेल का साउंड नहीं सुनाई देगा क्योंकि उसमें एक तो क्योंकि एयर निकाली गई है एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है ठीक है अगर एयर मॉलिक्यूल्स होते तो वो क्या होता था जब बेल बजेगी तो उसमें क्या होता वो वाइब्रेट करते ठीक है ना और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो क्या साउंड वेव्स बना के बाहर हमको सुनाई देते थे बट इसमें वो तो है ही नहीं ना अभी एयर तो नहीं है इसलिए कोई मीडियम नहीं है वाइब्रेटिंग नहीं है वह ठीक है इसमें वैक्यूम है ना देखो वैक्यूम मीन एन एम्प्टी स्पेस फ्रॉम वेयर एयर इज पार्टली रिमूव जहां से मतलब क्या किया गया एयर को रिमूव किया गया है ठीक है ना उसको बोलते हैं वैक्यूम तो ओके ये समझ में आ गया कि हमें नहीं सुनाई क्योंकि उसमें तो एयर भी नहीं है एयर में पार्टिकल अगर एयर होते थे तो एयर पार्टिकल वाइब्रेट करते और फिर वो क्या बनाते साउंड बना देते तो होगा नो इसमें नहीं सुनाई देगा ओके निस प्लेजेंट विच साउंड आर ए पीपल ठीक है अब इसमें बोला आपको कौन सा साउंड अच्छा है और कौन सा लोगों को इरिटेट करता है तो आप खुद ही देख सकते हैं ना तो अगर ये ये भी चल ये कैसे करेगा तो इसको भी इरिटेटिंग करेगा ठीक है ये ये लोगों को क्या करेगा प्रेजेंट करेगा अच्छा लगता है और ये कुछ चीखता चिल्लाता है तो उस समय भी बहुत इरिटेटिंग होता है है ना ये आपको पता लगा ना नॉइज पॉल्यूशन अभी नॉइज पॉल्यूशन मतलब नॉइज ना हल्ला पॉल्यूशन का मतलब समझते हो कि मतलब कहीं पे कुछ चीज ज्यादा हो जाना वो जो हमारे लिए अच्छा नहीं है हमारे लिए हार्मफुल है हमारे लिए तो वो पॉल्यूशन बन गया तो नॉइज पॉल्यूशन हो गया वो हमें क्या मतलब वो क्या करता है हल्ला प्रोड्यूस करता है नॉइज जैसे बोलते है ना बहुत हल्ला हो रहा है बहुत ज्यादा है ना तो देखिए अब इसमें देखिए इसमें आपको ये पिक्चर्स दी गई है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द साउंड इन द पिक्चर ठीक है जो जो साउंड आपको सुनाई दे रहा है कोई बात कर रहा है कोई फोन में कर रहा है है ना कोई सिंगिंग कर रहा है देखिए कोई हंस रहा है कोई ये बजा रहा है तबला बजा रहा है तो सब अपना अलग अलग कुछ ना कुछ कर रहे हैं कोई क्राइंग कर रहा है यहाँ पे क्रिपिंग हो रही है ठीक है ना तो इसमें आपको बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है कौन सा क्या क्या हो रहा है ठीक है इसमें और कुछ ऐसा नहीं है नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज द सीचुएशन शो इन दिक्चर ऑन द पेज नाइन आर ऑप्टन इन अराउंड जो ये पिक्चर है बोला तो ये हम अपने चारों से हमेशा हमारे घरों में ये सब कुछ होता रहता है ना ठीक है ना सम ऑफ द साउंड देर आर हार्स कुछ जो साउंड होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे जो साउंड दे रखे ना डिपिक मतलब डिस्क्रब किए गए जो साउंड जो अपने पिक्चर्स में देखे अभी कुछ तो हमें प्लेजेंट लगते हैं और कुछ हमको हार्श फील होते हैं कि बहुत नहीं नहीं इरिटेटिंग बंद करो अपना साउंड को है ना बोलते हैं ना हम लोग है कि गलत इफेक्ट डालते हैं हमें ठीक है ना अगर वेरी बहुत लाउड साउंड से आप टीवी देख रहे हैं तो कुछ देर में क्या होगा आपके पेरेंट्स आपके ग्रांड पेरेंट सब आपके ऊपर चिल्लाने लगेंगे ना बोलेंगे बंद करो क्योंकि उन पर क्या हो रहा है एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है मतलब की वो सहन नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ना देर लाउड साउंड सुनते हैं हमारे कान में हमेशा सुनते हैं मतलब कि कई बाहर से बहुत लाउड सा वो आ रहा है नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा हो रहा है तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है हम हमें क्या कर रहे हैं हार्म भी कर सकता है यहाँ तक हमारे कान भी खराब हो सकते हैं हम डेफ भी हो सकते हैं इट कैन ऑल्सो कॉज रेस्टलेसनेस इरिटेबिलिटी एंड मेंटल एक्सफ्रस्ट्रेशन ठीक है ना तो ये हमको क्या कर सकता है कि जब हमको चिड़चिड़ापन चीर भी आ सकता है हम रेस्टलेस हम फील कर सकते हैं कि हम मतलब हमारी बॉडी ऐसी और बिल्कुल कि हमको रेस्ट ही नहीं मिला ऐसा लगेगा इरिटेट हम हो सकते हैं ठीक है ना और वो हमें क्या करेगा बहुत टायर्ड फील करेगा

देखो ब्लोइंग चालू हो जाता है उस टाइम सिग्नल पे तो वो हमें अवॉइड वॉल्यूम ऑफ द टीवी और रेडियो इन हाउस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू दो वॉचिंग द प्रोग्राम ठीक है उनका टीवी का वॉल्यूम या रेडियो का वॉल्यूम आपको देखना है तो आप स्लो करके कर सकते हैं ना तो

एट द प्रॉपर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया ये रेजिडेंशियल एरिया मतलब होता है जहाँ लोग रहते हैं ठीक है हमारे घर होते हैं तो ये सब चीजें फैक्ट्री एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड ये सब हमारे घरों से थोड़ा डिस्टेंस में होनी चाहिए ओके नाउ नेक्स्ट वन समउंड इंजॉय कैन बी ए नर्सेंस फॉर अदर ठीक है क्या बोलते हैं कि जो हम इंजॉय कर रहे हैं अब जैसे शादी कुछ होता है कोई फंक्शन होता है ना तो हम लोग उस टाइम पे हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते और पूरा लाउड म्यूजिक लगा के हम हाँ, लोग डांस करना शुरू कर देते हैं अपना पूरा करते हैं बट हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि जो दूसरे लोग हैं वो कितना उससे इरिटेट हो रहे हैं तो वो हमें इंजॉयबल लग रहा है लेकिन दूसरे के लिए वो इरिटेटिंग फील कर रहे हैं ठीक है तो ये हमें दूसरे के बारे में भी हमेशा हमें सोचना चाहिए ना बिलीव इट और नॉट ठीक है बर्ड्स लाइक

ये अर्थ है और वहां से वो अपने प्रे को प्रे मतलब अपने शिकार को ले लेते हैं दिस इज बिकॉज दियर हेयरिंग ऑर्गन्स आर वेरी सेंसिटिव ठीक है क्योंकि उनके जो हेयरिंग ऑर्गन है जो सुनने वाले ऑर्गन है वो बहुत ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ओके सम स्पीसीज ऑफ ग्रास फॉर प्रोड्यूस अ साउंड बाय रबिंग दियर लाइक टूगेदर वाइल्ड फ्लाइंग इन द एयर ठीक है ये है, जो ग्रास ऊपर होते हैं वो कैसे साउंड करते हैं अपने लेग्स को रब करके साउंड क्रिएट करते हैं ठीक है और फ्लाई भी करते रहते हैं द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स ऑफ द बी और मॉस्क्यूटो प्रोड्यूस हमिंग साउंड तुमने ये सब साउंड सुने बोला ओके नाउ इसका जो लास्ट जो हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसका जो उसमें जो हमारी मेन मेन चीजें हैं वो ये है ठीक है वाइब्रेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वाइब्रेशन बहुत जरूरी है किसके लिए प्रोडक्शन ऑफ साउंड साउंड के प्रोडक्शन के लिए ओके रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेशन ऑफ साउंड साउंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए क्या चाहिए मीडियम बहुत जरूरी है इसको कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट है ओके okay? अगर कोई मीडियम ही नहीं हुआ तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह हमको सुना ही नहीं देगा साउंड इज अ अगेटेड थ्रू गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड मीडियम किस 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 से किस -किस से जाता है साउंड मीडियम से या या लिक्विड सॉलिड से नॉइज इज अ एग्रेबल इन इेगुलर एंड लाउड ठीक है नॉइज so, कैसा होता है जो हम बहुत नहीं कर सकते सहन नहीं कर सकते हैं इरेगुलर होता है

वो डिस्टर्ब होती है उनकी हेल्थ कैसे ना तो वो रिलैक्स कर सकते हैं ना वो सो सकते हैं है ना ना तो मतलब अपना बिल्कुल भी कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं तो वो उनके इसलिए उनका health क्या हो जाएगा खराब हो जाता है ठीक है मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन सबसे ज्यादा जो नॉइज पॉल्यूशन होता है किससे होता है से ठीक है नॉइज पॉल्यूशन इज सोशल प्रॉब्लम

प्लेस लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल तो क्या बोले हॉस्पिटल और स्कूल के जो नजदीक वर्कर्स जब चलते हैं तो वहां पे प्रोहेबिटेड मतलब कि वो होना चाहिए कि भाई यहाँ पे आप हॉर्न ब्लो नहीं कर सकते हैं दीज रूल्स शुड ऑलवेज बी फॉलो ये सारे अगर रूल हमने फॉलो कर दिए तो नॉइज पॉल्यूशन तो होगा ही नहीं है ना ठीक है अभी आपको भी समझना चाहिए कि जब हम अपने घरों में टीवी लगाते हैं तो कितना हमको इसका वॉल्यूम रखना है अपने अपने जो एल्डर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए आपके जो ग्रैंड मदर जो भी आपके घर में है उनका भी ख्याल रखना चाहिए और आपको कितना सुनना है कितनी टाइमिंग तक आपको टीवी देखना है वो सब आपको देखना चाहिए ठीक है ना एक्सरसाइज ठीक है तो फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए अभी मैं इसको ओरली आपको बताऊंगी

डिस टू हमारे कान को बिल्कुल भी अच्छा ना लगे तो हम उसको बोलते हैं नाउ व्हाट शुड वी डू हमें क्या करना चाहिए बोला द साइलेंसर ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ब्रोकन अगर मोटरसाइकिल का साइलेंसर टूट गया है तो हमें क्या करना चाहिए सिंपली उसे मैकेनिक के पास लेके ठीक है मैकेनिक के पास लेके जाएंगे और उसको रिपेयर करवा देना चाहिए अगर साइलेंसर नहीं रहेगा तो क्या करेगा बाइक मोटर साइकिल क्या करेगी बहुत साउंड करेगी जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन हो जाएगा तो जब अगर वो टूटता है तो उसे हमें मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा ठीक है ना देन सेकेंड है सराउंडिंग इज अ प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूअस लाउड म्यूजिक ठीक है अगर कोई फैक्ट्री है हमारे सराउंडिंग और वो लाउड से आता है तो हमें क्या करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए फैक्ट्री के okay. Now, vibration? Vibration का मतलब क्या होता है कि जब कोई बॉडी ऑसलेट्स करती है मतलब ऑसिलेट मतलब कि अपोजिट साइड में मूवमेंट करना आगे पीछे जो भी करना है ए उसको बोलते हैं वाइब्रेशन ओके नाउ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल हाउ साउंड इज प्रोपोगेटेड थ्रू सॉलिड देखिए इसका हमने एग्जांपल किया था तो इसका जो आंसर होगा वो आपका नेक टेबल वाला आंसर किया था ना ये देखो ये वाला स्टैंड एट द एंड ऑफ द टेबल तो ये आपका सॉलिड जो है प्रोपगेट का है वो उसका अच्छा एग्जांपल है तो ये आपका इसका आंसर है ठीक है ना ये वाला कि सॉलिड से कभी एक फ्रेंड को अपने एक साइड खड़ा कर दूसरी साइड आप खड़े हुए हैं और उसको नॉक करने को बोले और आपको साउंड सुनाई देता है तो ये सॉलिड के लिए क्या है ये एग्जाम्पल हाउ टू साउंड इज साउंडेट थ्रू सॉलिड सॉलिड के थ्रू साउंड uh, कैसा सुना जाता है मतलब ठीक है वट इज मीन बाई नॉइज पॉल्यूशन अब ये नॉइज पॉल्यूशन क्या है ये भी हमने अभी पढ़ा तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा देखिए ये नॉइज इज जब जब कोई भी नॉइज कहते हैं डिस एग्रेबल इरेगुलर एंड लॉ दैट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन उसको ही हम लोग नॉइज पॉल्यूशन बोलेंगे ओके तो ये आंसर आपका थर्ड वन का ये आंसर ये हो गया आपका नेक्स्ट इज नेक्स्ट है आपका व्हाट मेजर विल यू टेक टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन अभी हमने पढ़े थे ना कि नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए तो देखिए क्या करना चाहिए हमें देखो ये हमने पढ़े थे यहाँ पे मेजर्स uh, तो क्या है, ये चार के है वो ना डी का अब देखिए ये क्या है कंप्लीट द टेबल इस टेबल को कंप्लीट करेंगे ये साउंड के अलग अलग चीज के साउंड दे रखे है अब आपको यहाँ पे आपको टिक करना है कि ये अनप्लेजेंट uh, है या प्लेजेंट है, है आपको राइट करना है या टिक करना है जो भी आप करो ठीक है अब स्पीकिंग कोई स्पीक कर रहा है तो वो प्लेजेंट में ही आएगा ठीक है विस्परिंग कर रहा धीरे धीरे बात करेंगे तो वो भी प्लेजेंट है वो लाउड साउंड तो नहीं है ना ठीक है एरोप्लेन Aero, साउंड बहुत लाउड होता है तो अनप्लेजेंट हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स अनप्लेजेंट रेलवे इंजन बहुत ज्यादा आवाज करता है अनप्लेजेंट ठीक है रेस्टलिंग ऑफ लीड ए प्लेजेंट साउंड यस Of a horse. तो लगता है है? है, है है, कोई अगर वो वो करता नहीं करता करता रहेगा, रहेगा, नहीं ठीक भी हमें क्या करता है? बहुत इरिटेट कर देती है। कैसे इरिटेट करती है? देखो जब हम रात को सोने को जाते हैं या कुछ सोचते रहते हैं अगर एक बार दिमाग में आ गया कि साउंड वो भी हमें क्या करता है अनप्लेजेंट लगता है ओके तो ये आपका चैप्टर नंबर फोर्टीन कंप्लीट हो गया है अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए ओके okay? और सब्सक्राइब भी कीजिए